हाय, वेलकम बैक टू द रेड एक्स कार्स। आज हम बात करने वाले हैं अर्टिगा के बारे में। मारुति अर्टिगा काफी फेमस गाड़ी है, आपने टैक्सी में कई बार देखी होगी, चलते हुए बैठे भी होगे आप। इट्स अ कंप्लीट फैमिली कार, ब्लैक एडिशन लॉन्च हो चुका है, तो बने रहिए वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अर्टिगा लॉन्च हो चुकी है ब्लैक एडिशन। अर्टिगा की खास बात यह है कि इट्स अ कंप्लीट 7 सीटर फैमिली कार। आप अगर फैमिली कार देख रहे हो तो मेरे ख्याल से बेस्ट है। अगर आपकी रेंज आपको लगता है कि भाई मेरे को 9 लाख से लेके इवन 10 लाख से लेके 13 लाख के बीच का ही मेरा बजट है, तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी नाइस, वेरी इकोनॉमी वाइज बहुत अच्छी गाड़ी है। स्टार्टिंग विद द डिजाइन, जैसे आप सामने देख पा रहे हो लाइट काफी बड़ी है, डिजाइन काफी अच्छा है। ब्लैक एडिशन में आप जैसे काफी कुछ इसमें ब्लैक वर्क किया गया है। पीछे वाला डोर आप जैसे देख पा रहे हो काफी बड़ा है, जहाँ पर 3 लोग बैठ सकते हैं। मेरे फ्रेंड के पास है कि मैं जब भी चलाता हूँ तो मुझे मोड़ने के टाइम पे, अभी जैसे सामने भी मुझे दिख रही है एक अर्टिगा है, उसको निकलने में काफी दिक्कत हो रही है, बट इट्स अ नाइस। इंटीरियर की बात करें तो आपको पीछे साइड आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे, सारे पैसेंजर्स को एसी वेंट्स है। थर्ड रो में भी आपको एसी काफी अच्छा मिल जाएगा। इंजन की बात करें अगर अर्टिगा की, तो 1.5 लीटर का आपको पेट्रोल में भी मिल जाएगा, सीएनजी में मिल जाएगा, आप स्विच कर सकते हो। पावर वाइज 100 bhp का पावर मिल जाएगा आपको। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, क्लिक्सो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर या ड्रोन पायलट आपको घर में चाहिए किसी भी फंक्शन के लिए, ये सर्विस ऑपरेशनल ओनली दिल्ली NCR में है, तो आज ही डाउनलोड करें क्लिक्सो ऐप। टॉपिक में वापस आते हैं, जैसे कि अर्टिगा है वैसे ही एक और गाड़ी है XL6। XL6 की खास बात ये है कि वो सिर्फ 6 लोगों के लिए बनी है। प्रॉब्लम ये थी कि स्टार्टिंग में जब अर्टिगा आई थी तो अर्टिगा इतनी ज्यादा फेमस हो गई टैक्सी वाइज, लोगों को लगा कि ये एक टैक्सी कार बन के रह गई है। लेकिन बाद में लोगों को, क्योंकि उसी इंजन में मारुति ने फिर से XL6 निकाली जो सिर्फ पर्टिकुलर 6 लोगों के लिए थी। उसमें कई सारे वेरियंट्स है, आप देख सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं स्पेसिफिकली उसके लिए वीडियो बना दूंगा, पर XL6 इज वेरी नाइस। इंजन वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज, पावर वाइज सब कुछ सेम है, लेकिन सामने का थोड़ा सा डिजाइन आपको चेंज मिलेगा। सेकेंडरी ये है कि आपको थोड़ा रेंज भी ज्यादा चला जाएगा, जैसे 15 लाख तक पहुंच जाएगी आपको XL6। पर मेरे ख्याल से अर्टिगा जाना ठीक है, अगर आपको पर्सनल यूज करना है तो आप, मैं बोलूंगा कि आप XL6 जाइए। अगर आपको बिजनेस पर्पज है तो आप अर्टिगा के साथ जा सकते हो। अभी इंडिया में ऐसा हो रहा है कि प्लेटफॉर्म शेयरिंग का एक बड़ा अच्छा चीज चल रहा है, ये इसके पीछे रीजन ये है कि शायद कॉस्ट कटिंग के कारण इजी होता हो कंपनीज को। वॉक्सवैगन हो गए जो स्कोडा के साथ मिलके सारे डिजाइन बना रहे हैं, उनको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी डिजाइन की। वैसे ही रेनॉल्ट हो गई और निशान हो गई, ये लोग भी अपने प्लेटफॉर्म डिजाइन शेयर करते हैं। वैसे ही टोयोटा और मारुति सुजुकी भी अपने डिजाइन शेयर करते हैं। आपको अर्टिगा की सेम डिजाइन मिल जाएगा टोयोटा रूमियन का। रूमियन एकदम सेम है, प्राइस सेम है, पावर सेम है, डिजाइन सेम है, सब कुछ सेम है, प्राइस भी सेम है। आपको बस लोगों की बैजिंग अलग दिखेगी, वो सिर्फ टोयोटा के लग जाएगा। ऐसी कई गाड़ियां हैं जो ये लोग प्लेटफॉर्म शेयरिंग करते हैं। सो दिस वाज द अर्टिगा, और मेरे ख्याल से आप अगर बड़ी गाड़ी हो 7 सीटर तो अर्टिगा बिल्कुल जाइए। ये वर्जन आपको सीएनजी वर्जन मिल जाएगा, अभी मेरे अंकल ने भी ली है, मेरा ब्रदर ने भी ली है। सो दिस वाज द अर्टिगा रिव्यू, क्विक रिव्यू। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब रेड एक्स कार्स। और आपको नेक्स्ट वीडियो किसका चाहिए आप मुझे बता सकते, तब तक के लिए बाय बाय।